बदलते रिश्ते का आपकी नई एंट्री हुई है, क्या कुछ देखने मिलने वाला है ईशान की ओर से इस सीरियल में? देखिए, ईशान को लाया गया है मौली के ऑपोजिट, एंड मौली की ज़िंदगी में काफ़ी चैलेंजेस वो फेस कर रही थी आफ्टर हर जो भी ये कुणाल का अफेयर और इस सब के बारे में। तो शो बेसिकली एक ब्रीदर की तरह ईशान को लाया गया है, जो कि दैट गोना गिव अ काइंड ऑफ अ फ्रेश एयर इन द शो। सो आई होप ऑडियंस लाइक इट। ओके, बॉन्डिंग काफ़ी ब्यूटीफुल नज़र आई फैमिली के साथ, इसके बारे में बताइए। जी हाँ, ईशान मौली की ज़िंदगी में 3 साल पहले आते हैं, अभी हम लोग 6 साल का लीप शू कर रहे हैं, और 3 साल पहले मौली और ईशान मिलते हैं, और कैसे इनकी फ्रेंडशिप, मतलब इसकी फैमिली ने तो इसको एक्सेप्ट कर ली है, एंड हाउ इसका और मौली का आगे इक्वेशन बनता है, एंड एक्चुअली ट्रायो कैसे बनता है, क्योंकि मौली कितना भी कर ले वो अपने पास से भाग नहीं सकती है, उसके माइंड में अपना पास भी चलता है, तो अब आगे जाके कैसे क्या चलता है उसके लिए आपको सिलसिला देखना है। ये कहा जा सकता है कि कुणाल को एक टक्कर देने के लिए आया ईशान? देखिए, टक्कर डेफिनेटली अकॉर्डिंग टू द शो येस, ईशान की एंट्री ही इसलिए हुई है कि क्या होता है कि आफ्टर ये सारा एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर और ये सब कुछ हो रहा है, तो उसके बाद क्या कहते हैं कि सॉरी फिर से रिपीट करता हूँ, एक बार फिर से पूछ लीजिए। कुणाल को टक्कर देने आया ईशान, ऐसा क्या? नहीं, टक्कर देने तो कोई किसी को नहीं आया, लेकिन हाँ ये है कि जो ईशान का कैरेक्टर है वो अभी सिर्फ मौली में इंटरेस्टेड है, वो उसके पास से कुछ उसको लेना देना नहीं है, जो पास में हुआ वो हुआ, बट हाँ कैसे अगर वापस मौली ईशान के अभी साथ है, और कैसे अगर मौली को वापस पेन फील होता है, तो डेफिनेटली ईशान विल गेट इन टू इट, एंड उसके आगे चाहे कोई भी आए, चाहे उसका मौली का पास भी आए, तो ही इज़ रेडी टू फाइट। सीन की बात की जाए, काफ़ी सीन की बात की जाए, आप और मौली दोनों एक ब्लैक कलर के कपड़ों में नजर आए, इसके पीछे क्या रीज़न है? नहीं, इसके पीछे कोई रीज़न नहीं है, मतलब ये तो और फिर भी ब्लैक चले आप दोनों? नहीं, एक्चुअली मेरा कॉस्ट्यूम कुछ और होना था, लेकिन लास्ट मोमेंट पे क्रिएटिव कॉल की वजह से दोनों को ब्लैक हो गया, ये कोइंसिडेंस है, लेकिन हम लोगों ने मौली और ये ईशान की केमिस्ट्री इतनी भी नहीं है कि वो दोनों कलर कोऑर्डिनेशन करके हर चीज़ हर जगह जाए। ओके, उसके साथ कैसा रिलेशन होगा ईशान? बिल्कुल, बहुत अच्छा होगा। ईशान बेसिकली दिखाया कि फैमिली मैन है, एक बिजनेस टाइकून है, जो कि अभी मौली की लाइफ में एंटर हुआ है, और वो मौली को ही रियली लव्स हो, और मौली से ज़्यादा वो उसकी बेटी के ज़्यादा क्लोज है, वो उसको अपनी बेटी की तरह ट्रीट करता है, अपनी बेटी की तरह मानता है, वो नहीं चाहता कि कभी भी उसकी मौली की बेटी की आंखों में आंसू देखे, और ईशान एक ऐसा कैरेक्टर है कि ही इज़ अ वेरी लवेबल कैरेक्टर, जो अभी हम लोग इसको दर्शाने की कोशिश कर रहे हैं, और तो हम लोग इसको ये कोशिश कर रहे हैं कि इतना लवेबल बनाए, बिकॉज मौली हैज़ गॉन थ्रू अ लॉट, एंड नाउ इट्स हर टाइम टू बी हैप्पी, या फाइनली। सो अब उसमें क्या इक्वेशन होएगी, कुणाल अपनी गलतियों को वापस रियलाइज करेगा, या गलती नहीं भी की उसके पॉइंट ऑफ व्यू से गलती नहीं भी है, तो कई बार क्या होता है कि इक्वेशन वक्त के साथ बदलती रहती है, तो अब जो करंट वक्त है उसमें कैसे इक्वेशन बदलेगी, उसके लिए आपको सिलसिला देखना होगा।